सारे सारण नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आए दिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं। आज इस समय आप देख रहे हैं एबीवीपी के छात्रों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन का कारण ये है कि लॉ के जो दो साल से सप्लीमेंट्री जो एग्जाम्स नहीं हुए और भी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर आए दिन वाइस चांसलर के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो आंदोलन है आज तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं रात को भी विद्यार्थी यहीं पे थे। रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, फिर भी विद्यार्थी यहाँ पे थे। इस तरफ से बारिश आ रही थी लेकिन इन्होंने जो है संघर्ष करना नहीं छोड़ा। इस आंदोलन में हमारे साथ LLB के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट, जिनके दो साल से एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट कराए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, और यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही की वजह से। हमारे साथ डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं जिनकी डेट शीट निकली थी ऑनलाइन के लिए, लेकिन अचानक ही वो डेट शीट जो है चेंज कर दी जाती है और इन्हें बोला जाता है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दें। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ऑफलाइन एग्ज़ाम देने से डर नहीं रहा है, लेकिन वो अपने आप को तैयार करके आया था ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, तो उसे थोड़ा उसे वक्त चाहिए और उसे ओपन चॉइस की एक डिमांड उसने रखी है प्रशासन के सामने। और हमारे साथ BEd के स्टूडेंट हैं, BEd का भी यही सेम इशू है कि BEd के यहाँ पर TP के लिए जाना पड़ता है, उनके फाइल असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, बर्डन होता है, उनकी डेट शीट निकल चुकी है ऑफलाइन के लिए। वो भी विद्यार्थी चाहता है कि मैं ऑफलाइन एग्ज़ाम दूँ, लेकिन उसे केवल और केवल एक ही डिमांड है कि ओपन चॉइस की उसे जो है ऑप्शन दिया जाए ताकि वो अपना एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी कर सके। यहाँ पर विद्यार्थी तीन दिन से बैठा है लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के जुई नहीं रेंग रही है उनके सिर पर। यहाँ पर एक भी व्यक्ति प्रशासन की तरफ से बात करने नहीं आया। क्या यूनिवर्सिटी के प्रशासन स्टूडेंट के लिए नहीं है क्या? ये वाइस चांसलर यहाँ सरकार ने अपॉइंट किया है, यहाँ पर किसके लिए अपॉइंट किया? स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन तीन दिन, बहुत ही शर्म की बात है, तीन दिन हो गए यहाँ पर वाइस चांसलर नहीं दिख रहे हैं, कंट्रोलर नहीं दिख रहे हैं, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिख रहा। लेकिन विद्यार्थी परिषद पहले दिन से ही स्टूडेंट के साथ है और इनको सपोर्ट कर रही है। जब तक इन स्टूडेंट की डिमांड जो है पूरी नहीं हो जाती, आज बात नहीं होती, कोई बात करने नहीं आता, विद्यार्थी परिषद यहीं पे है। एक छात्रा की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ख़राब है जो हेल्थ सेंटर में, जिसे अभी तक वहाँ पे रखा गया। देखिए, छात्राएं कई हैं, एक नहीं है, दो तीन छात्राएं हैं जिन्हें कल से ही जिनकी तबीयत ख़राब है। आप देख सकते हैं मौसम किस प्रकार का, बरसात का मौसम है। यहाँ पर कोई बैठना, सड़क पर बैठना कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर सभी पीछे आप देख सकते हैं छात्राएँ ज़्यादा हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को कोई इनका कोई फिक्र ही नहीं है, यहाँ पर कोई बात करने नहीं आ रहा है। छात्र अभी तक वापस नहीं आए, वो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन क्या कोई बात करने आए यहाँ पर? इनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई यहाँ पर बात करना नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे और आखिर तक करते रहेंगे। क्या, क्योंकि पिछले तीन दिन से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी यूनिवर्सिटी का अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं आया। हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये समझना चाहिए, अगर जो स्टूडेंट है अगर वो अपनी पढ़ाई छोड़ के अपनी किताबों को साइड रख के अगर यहाँ पे कुछ डिमांड रखने आया है तो एक एज ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ही उनका एक फ़र्ज बनता है कि आप आके स्टूडेंट्स को पूछें। हम भी तो आप ही की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, आई एम फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट। अगर हम यहाँ पे आके अपने भाई बहनों के साथ बैठ के अपनी पढ़ाई साइड पे छोड़ के यहाँ पे कुछ डिमांड लेने आए लेके आए यहाँ पे, कम से कम आप उसको एक बार सुनो तो सही।
स्टूडेंट्स यहाँ पे फेंट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, गिर पड़ के हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों? क्या हम आप उनके आपके खुद के बच्चे नहीं हैं? क्या हम आपके बच्चों के जैसे नहीं हैं? अगर आपके बच्चे कल सड़क पे बैठे हों तो क्या आपका फ़र्ज नहीं बनता उनको जाके पूछें कि क्या दिक्कत है? और दिक्कत भी तब जब आप उसको हल भी कर सकते हैं, आप उसका हल निकाल सकते हैं, फिर भी आप आके हमें पूछ नहीं रहे हैं एक बार भी। आपको पता है क्या दिक्कत है? पूछना भी, आप एक बार आके हमें कोई आश्वासन तो दें। आश्वासन जो आपने पहले दिए वो तो खोखले और झूठे निकले। आपने पहले हमें ये आश्वासन दिया कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ओपन चॉइस होंगे। अब 10 दिन पहले आप एग्ज़ाम से बोल रहे हैं नहीं जी, आपको तो पूरा एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना है। जो स्टूडेंट मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि उसको इतना सिलेबस पढ़ना और वो पढ़ के तैयार करके बैठ चुका है, उसके बाद आप बोलते हो कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। हमें ऑनलाइन देने में कोई ऑनलाइन का हमारा कोई इशू नहीं है, हमें यह कि हम ऑफलाइन देने के लिए पूरी तरह सहमत है, लेकिन एटलीस्ट आप जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आप ओपन चॉइस रखें ताकि स्टूडेंट्स को भी इसमें आसानी रहे। और बस इतनी सी डिमांड है, लेकिन 4 दिन से इतनी सी डिमांड सुनने के लिए भी कोई अपने एसी वाले कमरे छोड़ के यहाँ आने को तैयार नहीं।